अचानक क्या हुआ कोई? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो बीच में विकेट गिरी उसका थोड़ा सा प्रेशर होता है और एट द एंड उन्होंने बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त की. 20-25 रन शॉर्ट थे लेकिन चेजेबल मुश्किल था ये चीज. इट वाज टफ. हमद, आपकी शिकस्त का टर्निंग पॉइंट क्या था? देखें जो हमने पिछले 7-8 मैचों में अगर आप स्टैट्स उठाएं और देखें तो हम लास्ट 5 ओवर में 15-16 रन पर ओवर दे रहे हैं विच वाज टू मच. अगर 6 ओवर में 68 भी चेज हो जाता तो जैसे आज हुए तो थोड़ा सा डेथ बॉलिंग का मसला था. इमाद, इतनी हाइप क्रिएट होती है कराची किंग्स की फॉर द लास्ट 4 ईयर्स और टीम भी इतनी अच्छी, एक्टिविटीज इतनी, लेकिन क्या हो जाता है कभी भी ये फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती, इसकी बेसिक रीजन क्या समझते हैं? लोगों की ओपिनियन ये है कि बैटिंग जो है उसमें आपकी इतनी डेप्थ नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. आई थिंक आज के गेम में थोड़ा सा इशू हुआ है और जैसे आमिर अमीन हिटिंग करते हैं और बेन डंग को हमने नीचे से लिख लाया था, ठीक है क्रिकेट हो जाता है लेकिन वी शुड बी बेटर देन दैट. थोड़ा सा हमें जैसे मैंने कहा 20 रन शॉर्ट थे और फिर एंड में हमने जैसे 15 रन इन ओवर दिए वो थोड़ा ज्यादा था. इमाद, हाउ डू यू कंपाइल द एंटायर सीजन? आई थिंक नथिंग हैज चेंज्ड इन लास्ट 2 सीजन बट हाउ डू यू सी द एंटायर सीजन सो फार फॉर यू? आई थिंक अप एंड डाउन, लेकिन बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में यू नेवर नो, एक अच्छी विक्ट्री या दो अच्छी विक्ट्रीज आपको फाइनल खिला देती हैं. तो जिस तरह उन्होंने फिनिश किया और फिर उनका मोमेंटम अब जैसे बनेगा नेक्स्ट गेम में, तो आई थिंक अगर हम अच्छा फिनिश कर लेते तो हमारा मोमेंटम बन जाता. Imad, they have put a few drop catches as well. इसके बारे में क्या कहेंगे? It happens in cricket. उससे पहले बाबर ने 4-5 अच्छे कैच पकड़े और उसके बाद अगर छूट जाए, एफर्ट पूरी थी, छूट जाए कोई बात नहीं. लेकिन जो एक चीज़ 100% अगर एफर्ट देके आप ग्राउंड से बाहर आए, हार जीत तो होता है, आपको दुख होता है हारने का, लेकिन जब आप अपनी एग्जीक्यूशन थोड़ी राइट करें और आगे ड्रेसिंग रूम में बैठें और उसको पूरा करें. दूसरी टीम भी खेल रही है, आसिफ ने बहुत अच्छा खेला और उनके काफ़ी प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की उस सिचुएशन में, लेकिन हमें बॉलिंग में थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना चाहिए था. इमाद, उमर खान के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बॉलिंग की, एक यंग बॉलर, किस तरह कहेंगे? आई थिंक मेरी नज़र में अगर सबसे अच्छा इमर्जिंग प्लेयर है, ऑब्वियसली हसनैन इज़ अ वेरी गुड फास्ट बॉलर, लेकिन सबसे अच्छा इमर्जिंग मेरी नज़र में उमर खान है. आई थिंक जो उसकी सोच है, जो मेंटेलिटी है, जो उसका स्किल लेवल है, बहुत कम लड़कों में होता है इस एज में आके. आई थिंक यू ऑल थिंक दैट ही इज़ गोना बी सम नेक्स्ट गुड प्लेयर. सो इंशाल्लाह मेरी उसके साथ दुआएं काफ़ी है और मुझे लगता है एज अ क्रिकेटर के वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्व करेगा. The last 3 questions. Imad, don't you think that Karachi Kings were depending more on Colin Ingram and Colin Monroe apart from local batsmen? I think if you see Babar is the best player in the world rating mein, ICC rating mein, then Monroe is second best in the world, and then Ben Tugg ne jitna perform kiya hai domestic cricket mein uske baad aapke Iftikhar ne 2 match jitaye hain aur is tarah ke players Ingram ho gaye. सो आई थिंक डिपेंड तो इतना ही था, टीम एफर्ट होती है, एक मैच कोई जिताता है, एक मैच कोई जिताता है, लेकिन आज थोड़ा सा 20-25 रन शॉर्ट थे जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी जो हमने 68 या 70 रन 6 ओवर में हमने आखिर में चेज करवाए, वी शुड बी बेटर इन दिस. अच्छा इमाद, आपने जिक्र किया उमर खान का, लेकिन आप जरा सा उसके बारे में बताएंगे कि जो मूसा का रोल था, उन्होंने बड़ी 3 विकेटें आज हासिल की, तो आप उनका रोल विक्ट्री में क्या बताएंगे? आई थिंक ये सारे जितने भी इमर्जिंग प्लेयर्स आए हैं, बैट्समैन देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जितने भी टॉप क्लास बॉलर्स ये देखने को आए हैं, मूसा हो गया, स्नैन हो गया, समीन गुल हो गया, जितने भी हैं, आई थिंक फास्ट बॉलर की कमी पाकिस्तान को पहले भी नहीं थी और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी जिस तरह के ये लड़के. लेकिन जो एक आपका एक मेन स्पिनर होता है जैसे उमर है, आई थिंक वो फ्यूचर में जाके पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करेगा. टफ लक फाइनल में करीब आके इतना हार गए. और मुझे ये बताएं, अगर आपसे एज अ कैप्टन पूछा जाए कि कराची किंग्स के सीजन में हाइज और लोज तो क्या थे आपके मुताबिक? आई थिंक वी वुडंट अप टू द मार्क. कुछ ऐसे मैचेस हमने इनसे पहले भी इस्लामाबाद में हमें 6 ओवर में 76 चेज किया था. वी वुडंट अप टू द मार्क दोनों डेथ में, बैटिंग की डेथ और बॉलिंग की डेथ. बाकी स्टार्ट्स हमारे बहुत अच्छे हुए हैं बॉलिंग से भी, पावर प्ले से भी, लेकिन जो डेथ बॉलिंग होती है, आई थिंक मोहम्मद आमिर इतना स्किलफुल बॉलर है कि आई थिंक बहुत कम ऐसे बॉलर होते हैं
ठीक है उसे विकेट्स इतनी नहीं मिली लेकिन वो बहुत टॉप क्लास बॉलर है, तो आमिर ने हमेशा इसी तरह किया। थोड़ा बहुत और थोड़े बॉलर्स को देखना चाहिए था और इट हैपेंस इन क्रिकेट, कुछ लड़के बुरा करते हैं कुछ अच्छा करते हैं लेकिन ये ख़त्म तो नहीं है, अल्लाह उनको इससे सीखने का, मैंने यही बात करता हूँ कि अगर आपसे बुरा हुआ आप उसको सीखो और नेक्स्ट टाइम वो ना करो, तो वो गलती गलती होती है, अगर आप उसको बार बार मिस्टेक करोगे तो वो आपका ही कसूर होता है। इमाद एक बार फिर आपके लिए टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, अब तीन टीमों के दरमियान मुकाबला है, इस्लामाबाद, जलमी और ग्लैडिएटर, आपको लगता है कि थोड़ा सा मोनोटनस सी हो गई है टूर्नामेंट में, चौथी बार इन्हीं तीन टीमों के दरमियान मुकाबला है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ओवरऑल इस सीज़न में आप अपनी परफॉर्मेंस को कहाँ रखते हैं, एज ए कैप्टन आप कितने मुतमईन हैं अपनी परफॉर्मेंस से? पहली बात ये तीनों ही अच्छी टीमें खेल रही हैं, तीनों ही आई जाती हैं और अनलकीली और हम लोग पहुंच नहीं सक रहे हैं और कोई बात नहीं, अल्लाह को जो मंजूर हो। सेकेंडली मेरा आई थिंक मैं जिस लेवल का बॉलर हूँ आई थिंक उस लेवल की परफॉर्मेंस मेरे से उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल मेरा इकोनॉमी रेट और वो जो जॉब एक डन होनी चाहिए वो होती है। मेरा खुद ऑब्वियसली बात में अगर 10-11 मैच खेलूँ तो मैं 2-3 मैच जिताता हूँ खुद, जो कि इस साल नहीं मैं जिता सका, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा वो भी प्लान करके आते हैं मुझे खेलने पर। और बैटिंग जिस तरह मैंने 2-3 मैचों में की है अच्छा नहीं था, लेकिन एट द एंड इफ मैं यहाँ से सीख के जाऊँ तो वो मेरे लिए बेहतर है, आगे भी बहुत क्रिकेट है, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा इतना बड़ा रोल नहीं हुआ। और एज ए कैप्टन इट वॉज ऑल राइट, मैनेजिंग इंटरनेशनल प्लेयर इज ईजी अगर डोमेस्टिक होते, और मेरा ये है कि इस टूर्नामेंट से अगर एक दो लड़के पाकिस्तान को मिल जाएं जैसे उमर है और जो लड़के इफ्तिखार अच्छा खेला है, सो आई थिंक ये भी एक फ्रेंचाइज की जीत भी होती है, सो हार जीत तो बाकी चलती रहती है। सो ऑन बिहाफ ऑफ द कैप्टन एंड द फ्रेंचाइज थैंक यू ऑल फॉर ऑल द सपोर्ट थ्रू आउट द सीजन।